पप्पी जी, अभी पुलिस आई थी, यहाँ क्या मामला है? ये पुलिस थाना सूरजकुंड से SHO राजेंद्र सिंह जी और आस्था मोदी जो हमारे हल्के के ACP वो लोग आए हुए थे, क्योंकि हमारा डिस्प्यूट हमारा यहाँ पे मेरे पड़ोस में ही अंजुम चोपड़ा जो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले खिलाड़ी रही है और अभी कमेंटेटर है, वो पहाड़ का आप रकबा देख रहे हो, इस ज़मीन पर उनकी 12 एकड़ ज़मीन है और 15 एकड़ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। फॉरेस्ट की ज़मीन है जो कि नंबर उसमें फॉरेस्ट ज़मीन में लिखे हुए हैं। उन्होंने उसमें अपना मकान, अवैध मकान वो बना रखा है और वो मुझे खमाखम के यहाँ पर परेशान करते हैं। कब से बना रखे हैं उसमें? उन्होंने मेरे ख्याल से पाँच सात साल पहले क्या इन पहाड़ों पर मकान बनाना अलाउ है? बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फॉरेस्ट की लैंड है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं, एक दांतुन तक कोई नहीं तोड़ सकता। तो कैसे बना लिए? उन्होंने उनके अपने राजनीतिक रसूख है, क्योंकि उनकी बेटी जो अंजुम चोपड़ा है जो भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी पहले रही है, वो अपने राजनीतिक रसूख की वजह से, क्योंकि उनके फिर कोई उनको कोई ना देखता है क्या अवैध काम कर रहे हैं। उन्होंने आप जाके वहाँ देखोगे, उन्होंने बहुत बड़ी कोठी, महलनुमा कोठी वहाँ बना रखी है जो बिल्कुल अवैध है, जो फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ है। 5 साल पहले बनी थी, तब किसकी सरकार थी यहाँ? 5-6 साल पहले कांग्रेस की सरकार। कौन विधायक था यहाँ? यहाँ पर चौधरी महेंद्र प्रताप विधायक थे। क्या उनका कोई हाथ है, उनसे मिलकर बनाया गया है ये? इनको सब लोग समर्थन करते हैं, उन लोगों ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। अब क्या हुआ इसमें जो है? इसमें ये हुआ, आस्था मोदी जी आई, उन्होंने और SHO राजेंद्र के बीच में बात हुई है कि वो ये बोल, क्योंकि इस ये कोर्ट, ये मेरा भी डिस्प्यूट जो उनमें है वो कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा है कि आगे से इसमें कोई कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन कार्रवाई आप नहीं करोगे। आपने कब लिया था ये जमीन? मैंने 2011 में ज़मीन ली हुई थी। कितने की लिया था? मैंने 2011 में ये 80 लाख के करीब ली हुई है। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने अपनी चार दीवारी की और इसको मैंने अपना बनाया, जो कि इस अंजुम चोपड़ा के पिताजी के सामने फाइनल होकर बनाया गया, जो कि कोई डिस्प्यूट नहीं था। तो अब कैसे आ गए? अब ये लोग किसी को राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा इन लोगों को उकसाया जा रहा है और ये लोग मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरा अपना राजनीतिक जीवन है, मैं सोशल वर्कर हूँ, और मेरे खिलाफ ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। कौन उकसा रहा है इनको? इन्हें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि चौधरी महेंद्र प्रताप, उनका बेटा विजय प्रताप, जिन्होंने धोखाधड़ी मेरे दोस्त संदीप चपराणा के साथ की थी, वो लोग